पंजाब में चुनाव से पहले धमाके को लेकर बड़ी खबर देख लीजिए। डिप्टी सीएम रंधावा ने क्या कहा, जुडिशरी को डराने की कोशिश है ये। धमाके के बाद पूरे राज्य में कोर्ट कैंपस की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सीएम की रैली से ठीक पहले धमाके से कई सवाल उठ रहे हैं। लुधियाना कोर्ट से 22 किलोमीटर दूर होनी थी चन्नी की रैली, लेकिन अगर डोडा साहब की मानी जाए तो जाहिर है ये एक प्रोफेशनल का किया हुआ काम है। अगर प्रोफेशनल का किया काम है तो उसने चार दीवारी के अंदर खुद को ब्लो ऑफ क्यों किया, क्योंकि वो चाह रहा होगा कि वो मैक्सिमम डैमेज करे, या उससे ये गलती से हो गया। फिर आगे चलें तो 22 किलोमीटर दूर रैली थी, क्या इसको इस हिसाब से देखा जाना चाहिए कि कम से कम उस समय सिक्योरिटी हर जगह पुख्ता होनी चाहिए थी, वही हम इंश्योर नहीं कर पाए। और ये कि उन जगहों पर 12 दरवाजों में से सिर्फ 2 जगह मेटल डिटेक्टर काम कर रहे थे, कितनी जगहों पर सीसीटीवी कैमरे काम कर रहे थे, ये मुख्तलिफ मुद्दा है। हम क्या मामले की ग्रेविटी, आपने कहा कि हमको मैक्रो पिक्चर की तरफ जाना चाहिए गुरदीप सप्पल साहब, मैं एकदम सहमत हूं, लेकिन क्या हम वो कर रहे हैं जो एज अ मशीनरी, एज अ स्टेट, एज अ सिक्योरिटी ऑपरेटर्स हमको करना चाहिए सर? पहले तो मैं शाजिया इल्मी जी की बात का जवाब दे दूं आपको। मुझे बहुत दुख है कि वो इस मौके पे भी राजनीति से बाज नहीं आई। वो ये भूल जाती हैं पहली बात कि ये अगर बाहर से पाकिस्तान का मामला है तो ये प्राइमरी जिम्मेदारी मोदी सरकार की है। बॉर्डर सुरक्षा शाजिया जी मोदी सरकार की जिम्मेदारी, केंद्र सरकार की है। आप कोई भी आरोप लगाने से पहले इस तथ्य को ध्यान में रखिए। दूसरी बात, आज फिर आपने किसान आंदोलन को इससे जोड़ा, इस पे मुझे लगता है कि आपको किसानों से माफी मांगनी चाहिए। पीएम साहब इस बात को मान गए, पूरे देश में उन्होंने एक दया वातावरण तैयार करने की कोशिश की है, लेकिन आप फिर से उसी को उठा रहे हैं कि किसान आंदोलन में आतंकवादी थे या किसान आंदोलन में बाहर से लोग थे। तो आपकी सरकार क्या कर रही है एक साल से? मैं आपके पास आता हूं, जवाब दीजिएगा, भी सवाल सुन लीजिए। अगर नवजोत सिंधु के संबंध है, आपकी सरकार क्या कर रही है, आपके होम मिनिस्टर क्या कर रहे हैं, आपके प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं भारत सरकार के, वो क्यों नहीं करे नवजोत सिंधु को गिरफ्तार? हर बात को एक छिछले लेवल पर ले जाकर रोटियां सेकना बंद कीजिए। ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है, अगर पाकिस्तान से कोई आया है तो प्राइमरी फेलियर भारत सरकार का है। लेकिन इस जवाब ले लीजिए, आपने जो बात कही है उसका जवाब ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। मैंने आपसे सवाल कुछ और पूछा था लेकिन आपने जवाब दिया है, तो जवाब उधर से भी ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। सर नहीं, शाजिया अल्ज़ीम बोलिए। इस बात को आता हूँ, गुरदीप सप्पल आपके पास आऊंगा। मैंने बहुत साफ तौर से कहा, मैंने कहा कि किसान आंदोलन को इस्तेमाल करने की भी इन तत्वों ने कोशिश की है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ पॉलिटिकल एलिमेंट्स भी हैं। गुरदीप सप्पल आप जब कह रहे थे, मैंने शाजिया जी से कहा था वो सुन लें, फिर बाद में जवाब दें, आप भी सुन लीजिए। क्या और नवजोत सिंह सिद्धू का नाम मैं साफ साफ कह ले रही हूँ, और ना सिर्फ नवजोत सिंह सिद्धू लेकिन प्रो खालिस्तान सपोर्टर्स का पैसा लेना, उस सेंटिमेंट को उभारना, उनकी बात करना, पाकिस्तान की तारीफदारी करना, तरफदारी करना, जनरल बाजवा से खुलेआम मिलना, सुर्खियों में कहना बाकायदा कि मैं जाऊंगा और मैं दोस्ती करूंगा और मेरे नेता मेरे कैप्टन राहुल गांधी हैं, इन बातों से भी बहुत फर्क पड़ता है। एक बात आप बता दीजिए शाजिया इल्मी, लेकिन ये मेरी क्यूरियोसिटी भी है कि अगर कोई गलत नीयत से लेकर जो ड्रोन एक्टिविटी भी हुई है, कोई गलत नियत से अगर कोई संबंध इस तरीके से रखता है तो वो क्या दुनिया में उजागर करता है कि मेरी अमुक से दोस्ती है? नहीं, पर एक तरह से वो दिखाता है कि उसको इस तरह की दोस्ती से ऐसे मौके पर जब एक बहुत ही सामरिक तौर पर एक बहुत ही, लेकिन यहाँ पर एक बात कही गई है शाजिया इल्मी, अगर आप दोनों के बीच में रहूंगा तो ये बात लंबी चलेगी। मुझको परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।